नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। भारतीय जनता पार्टी दाना एवं दमन दीव प्रदेश द्वारा आज सिलवासा स्थित अटल भवन में सदस्यता अभियान कार्यशाला आयोजित किया गया। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही एवं भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत पटेल जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश टंडेल और दाना सांसद श्रीमती कला बेंदेलकर जी की उपस्थिति रही। आज की कार्यशाला में वीडियो एवं पीपीटी के माध्यम से उपस्थित कार्यकर्तागण को सदस्यता अभियान संबंधित मार्गदर्शन दिया गया। आज की कार्यशाला में आज की अतिथि डॉक्टर अलका जी, श्री दुष्यंत पटेल जी एवं श्री दीपेश टंडेल जी द्वारा कार्यशाला में उपस्थितों को संबोधित किया गया। आज सदस्यता अभियान संबंधित मिस कॉल नंबर 8800002024 का लॉन्चिंग किया गया एवं इस राष्ट्रीय नंबर पर 1 सितंबर 2024 से मिस कॉल करके सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। माता की जय। आवाज दिल्ली से चली। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई, यहाँ के प्रभारी माननीय दुष्यंत भाई और आपकी लोकप्रिय सांसद जिनका जन्मदिन भी है, जोरदार ताली बजाकर इस अभियान के संयोजक आज उपस्थित नहीं है, सह संयोजक जीतू भाई और सोलंकी जी हैं। विपुल जी और यहाँ उपस्थित समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हम कार्यकर्ता आधारित, विचारधारा आधारित, संगठन निष्ठ पार्टी हैं और आपने देखा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हमें प्राप्त है। हमारे 18 करोड़ सदस्य हैं, 11 करोड़ बने जब अमित भाई हमारे अध्यक्ष थे और उसके बाद एक बार कोविड के बाद एक बार मेंबरशिप ड्राइव फिर आई और फिर 7 करोड़ बने। इतने लोग हमारे सदस्य हैं जितने तो किसी देश की जनसंख्या भी नहीं है। लेकिन फिर इस अभियान की क्या आवश्यकता? देश में 1500 दल हैं और हमें उन दलों से पृथक करता है तो यही बात करती है कि हम संविधान आधारित पार्टी हैं। कार्यकर्ताओं की फौज हमारे साथ और हम वो उस विचारधारा वाले लोग हैं जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा मां भारती का गौरव बढ़ाने के लिए, वैभव बढ़ाने के लिए हमारे दल का गठन हुआ है और हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने के लिए कटिबद्ध है और इसीलिए हम आज देखा जाए तो आज ना आप सदस्य हैं ना मैं सदस्य हूं, हमें रिन्यूअल करना है सदस्यता का। तो ये ऐसी अद्भुत पार्टी है जो हमें भी मौका देती है कि हम आज कहां खड़े हैं, क्या हम अपनी भूमिका के साथ न्याय कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता होने के नाते दायित्व कुछ भी हो सकता है। रजनीकांत मेयर हो सकती है, दीपेश भाई अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन दायित्व समय समय पर बदलता रहता है। एक दायित्व है जो हमारा परमानेंट है, वो है कार्यकर्ता होने का, और कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हमारी विचारधारा का विस्तार हो और हमारे संगठन हर उस जगह पहुंचे, सर्वस्पर्शी हो, सर्वग्राह्य हो, हर उस जगह पहुंचे, हर वर्ग में पहुंचे और हर वर्ग हमारी विचारधारा के साथ जुड़े। और इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा अभी दुष्यंत भाई बहुत सारे चीजें बता रहे थे, उन सभी माध्यमों से ये बहुत अच्छा मौका है कि हमें घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से फिजिकली संपर्क करके सदस्य बनाना है। पिछली बार हमने मिस्ड कॉल करके सदस्य बनाए थे तो मिस्ड कॉल के बाद डेटा कई बार ठीक नहीं हो पाया था। अब की बार लोक संपर्क और लोक संग्रह दो विधियां हमें अपनानी है। लोक संपर्क है, घर घर जाएंगे, मेंबर बनाएंगे, मिस्ड कॉल से बनाएंगे। अभी आपने देखी जो पीपीटी उसमें सारे प्रक्रिया थी, लेकिन उसके साथ साथ फॉर्म भरकर डिटेल भी हम अपने पास रखेंगे क्योंकि आज डेटा का जमाना है और डेटा बहुत महत्वपूर्ण है।
आप लोगों के यहाँ चुनाव भी आने वाले हैं, उस चुनाव में भी वो जो आपका सदस्य है वो आप अपने दल के साथ शामिल करके उसे कार्यकर्ता के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में उसको भी अपना सहयोगी बना सकते हैं। इनकी विशेष जवाबदारी दादरा नगर हवेली जी गमन की कार्यशाला में अपना मार्गदर्शन देने पहुंचे हैं ऐसे डॉक्टर अलका गुज्जर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल जी, लोकप्रिय सांसद कलाबेन डेलकर जी, उपस्थित सब प्रिय कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस मीडिया के साथी मित्रों, दीपेश भाई ने विस्तार से आपसे बात की है और अभी हम सब ने पीपीटी के माध्यम से कैसे कार्यकर्ता बनते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की है। एक चीज तो पहले तय है कि सबके मन में एक चीज आ जाए कि फिर से सबको कार्यकर्ता बनना है। मैं पुराना था ऐसा कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी, अमित शाह जी भी और जेपी नड्डा जी भी 1 तारीख से जब प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे तब सभी को बनना है, क्योंकि बाहर ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, हम तो बन गए थे कार्यकर्ता, अब क्या है, अब तो आपको सिर्फ नए बनाने हैं, नहीं, आपको फिर से कार्यकर्ता बनना है और इसी प्रोसीजर से आप सबको फॉलो करना है। ये कार्यक्रम हमने बहुत बार हमारे जीवन में किया भी है, कई बार तरह तरह की बातें आती है पर आप सब स्पष्ट रूप से माहितगार हो जाए कि क्या होने वाला है, क्योंकि आप ही लोग जो यहां बैठे हैं वो कहीं ना कहीं पे वर्कशॉप लेने भी आपको जाना होगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, बूथ तक जाएंगे, मंडल तक जाएंगे, तो यहां बैठे हुए कार्यकर्ता में से ही वो वर्कशॉप का इंचार्ज आप लोगों को ही दायित्व दिया जाएगा। तो सबको तैयारी ये करनी है और जब 1 तारीख से जब ये कार्यक्रम लॉन्च होता है तो लॉन्च के समय हम क्या कुछ कर सकते हैं, अपने विस्तार में क्या नया कर सकते हैं, कुछ भी इनोवेटिव आपके अगर जहन में हो, आपके दिल में हो, तो वो आप एक बार प्रदेश अध्यक्ष के महत्व जो कार्यकर्ता है उनसे बात कर आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। एक ही उद्देश्य है, लास्ट टाइम का जो फिगर है 80,000 उसे हमें ये बार क्रॉस करके आगे जाना है। प्रदेश सदस्यता अभियान कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर जी, हमारे मार्गदर्शक प्रभारी दुष्यंत भाई पटेल जी, बड़ी संख्या में प्रदेश और जिला के अध्यक्ष महामंत्री, आप सभी का आज के इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जो कार्यशाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पार्टी लगातार अपने संकल्पों को लेकर चलती है और इस संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हम संगठन की संरचना करते हैं। यानी जब हम ये कार्यशाला चालू करने जा रहे हैं तो पार्टी की स्थापना क्यों हुई और संगठन की संरचना क्यों, ये दोनों चीजें हमारे जो पदाधिकारी है जो आगे जाके जिला स्तर का वर्कशॉप करने वाले हैं, मंडल स्तर का वर्कशॉप करने वाले हैं, इनको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरह मालूम है। इतिहास हमारा बहुत ही पुराना है, पार्टी की स्थापना क्यों हुई, किस तरह हुई, हमारे सामने ही जो दो फोटो लगी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हम ये संकल्प लेकर चले थे कि हम सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको लेके पार्टी को आगे बढ़ाए। ये पार्टी को हम हर कोने में, हर वर्ग में, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो या सांस्कृतिक स्थिति, हर जगह इस पार्टी को पहुंचाए। और इसलिए हमने सबसे पहला हमारा संकल्प जो था, हम राष्ट्र को प्रथम लेकर चले थे और हमारा संकल्प रहा था कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी तृतीय और स्वयं तृतीय, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, ये हमारा संकल्प रहा। हमने स्थापना की तो राष्ट्रवाद को तो साथ में रखा ही हमने, लेकिन साथ साथ एक सांस्कृतिक वाद को भी रखा। लेकिन ये स्थापना हमें क्यों करनी पड़ी, ये इतिहास हमारे मन में बहुत ही अच्छी तरह होगा। जब ये देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो कांग्रेस का शासन था और जिस तरह कांग्रेस इस देश में शासन कर रही, स्वतंत्र के बाद जिस तरह हम लोग अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव बहुत ही धुंधला लगा। कांग्रेस के शासन के दरमियान हमने जो कल्पना कर दी कि यह भारत अखंड रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो कार्य कर रही, जैसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में भारत पूरी तरह खंडित हो जाएगा, युवाओं का भविष्य नहीं दिखा, किसानों के लिए कोई खास स्कीम नहीं, वृद्ध के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं। और तब हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय कि हम राष्ट्रवाद को लेकर आए, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ हमने यह भी तय किया कि हम सांस्कृतिक वाद को भी लेकर आए। इस देश की जो संस्कृति है, वो संस्कृति को भी हम साथ लेकर, और यही संस्कृतवाद और राष्ट्रवाद को साथ लेकर हमने डॉक्टर दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से जो वाद निकाला, वो एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद के माध्यम से हमने इस देश की जनता को आश्वस्त किया कि हमें देश के जो भी अंतिम छोर का व्यक्ति है, वो अंतिम छोर का व्यक्ति को हर वो अधिकार प्राप्त कराए जो अधिकार उन्हें संविधान ने दिया। और इसलिए हम पार्टी की स्थापना के साथ अपना संगठन आगे बढ़ाते हैं, और पार्टी को जब आगे बढ़ाना है तो संगठन की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन ही ऐसा रहता है कि जिसके माध्यम से हम कार्यक्रम करते हैं, जिसके माध्यम से हम अभियान चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करते हैं और जिसके माध्यम से हम चुनाव लड़ते हैं। और यही संगठन की संरचना, संगठन को साथ लेते हुए हम कार्यक्रम, अभियान, प्रशिक्षण और चुनाव, ये सभी को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, और उसके बाद हमने जो संकल्प किया है वो संकल्प को पूरे करने में लगा है। और हमें गर्व है हमारी पार्टी के ऊपर कि जो संकल्प हमारे संस्थापक ने लिए थे वो कहने के लिए नहीं गई। हम ऐसे ही नारा नहीं लगाते थे कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमने वो नारा को पूर्ण किया है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राष्ट्रीय गृहमंत्री, हमारे गृहमंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में धारा 370 को ध्वस्त किया है। हमने ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए जो लेने में कांग्रेस की सरकार का हाथ हमेशा दुख। हमने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है, हमने ट्रिपल तलाक निकाला है, हमने सीए कानून लाए है। और हमें मालूम था कि हम जब ये ऐतिहासिक फैसले लेते हैं तब कुछ तकलीफें भी आती है, कुछ चुनौतियां भी बढ़ती हैं। इन तकलीफ और चुनौतियों होने के बावजूद भी हम ये काम करते गए, क्योंकि हमें हम अपने संगठन के ऊपर विश्वास था। हमें मालूम था कि हमारा संगठन सदैव हमारे साथ रहेगा और संगठन के माध्यम से हम जितने भी हमारा अभियान है वो अभियान को पूर्ण करेंगे। और जितने भी हमने अभियान लिया वो अभियान हमारा खाली नारा नहीं रहा। जब हमने अभियान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई नारा कभी नहीं रहा। हमने धरातल पे करके दिया, हमने बेटियों की सुरक्षा दी, हमने बेटियों के लिए शिक्षण फ्री करके आने वाले दिनों में वो अच्छी शिक्षा ले सके, आगे नेतृत्व कर सके। इसलिए हमने विधानसभा लोकसभा में 33% रिजर्वेशन किया है और अपने प्रदेश में तो हमने 50% रिजर्वेशन किया है। यानी हम जब कोई अभियान चलाते हैं तो खाली कहने के लिए नहीं रहता, हम धरातल पर रिजर्व करते। हमने नारी को, महिला को नेतृत्व दिया। हमने जब अभियान उठाया कि स्वच्छ भारत, तो यह कोई अभियान नहीं रहा। हमने हर जगह स्वच्छता का माहौल खड़ा किया, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, महाविद्यालय हो, जहाज स्तर।
यानी यही संगठन के संरचना के संगठन के लोगों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ हम अभियान भी चलाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं और विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। और इसीलिए संगठन की संरचना मजबूत होना बहुत जरूरी बन जाता है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि हम जो पार्टी का इस प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है, आज हमारी भौगोलिक परिस्थिति है कि ये प्रदेश आदिवासी बहुतल है, जहां सिलवासा खानवेल और सिलवासा शहर में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, वहीं दमन और दीव में मछुआरे कोड़ी पटेल एससी और एसटी की संख्या भी ज्यादा है। हम संगठन में हुए सभी चीजों का ध्यान रखते, सभी वर्गों को साथ देते हुए, सभी जाति को साथ देते हुए हम संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह हम ये कार्यशाला करने जा रहे हैं, जो हमारे नंबर तय हुए हैं, वो नंबर का भी आप सभी के सामने एक प्रस्तुतिकरण होगा, और नंबर के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार प्राथमिक सदस्य बनाएंगे, और उसके बाद ये प्रक्रिया देश भर में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर मंडल में, हर बूथ पर ये प्रक्रिया हम करेंगे। आज दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश की ओर से हमारे बीच हमारी प्रदेश की महासचिव डॉक्टर अलका जी आई थी और उन्होंने कार्यशाला का उद्घाटन किया। साथ में हमारे इस प्रदेश के दुष्यंत भाई पटेल जी प्रभारी और इस प्रदेश के अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल जी और यहाँ के सांसद माननीय श्रीमती कलाबे सभी ने मिलकर आज कार्यशाला का उद्घाटन किया। आने वाले दिनों में हम जन जन तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने के नाते सभी के पास जाएंगे और इसकी शुरुआत होगी 1 सितंबर से। 25 सितंबर तक हमारा जो टारगेट है वो हम पूरा करेंगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर इस देश की जो गौरव गाथा है विकसित भारत बनाने में आप सभी सहयोग करेंगे, ऐसी भावना के साथ आप सबको आह्वान करता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने और गौरव अनुभव करें। भारत माता की जय।